हे गाइस, वेलकम टू इंदो डिज़ाइनर स्टूडियो। सो आज हम बनाने वाले हैं जैकेट, वो भी ये एक साड़ी से जो मैंने परचेस किया है अमेज़ॉन से, जिसका प्राइस है 839। तो इसे साड़ी को पूरा मैं दिखाती हूँ आपको ओपन करके। ऐसा है, सीक्वेंस की साड़ी है, बहुत अच्छा था कलर, टील ब्लू कलर की साड़ी थी। तो हमारा डांस परफॉर्मेंस है तो उसके लिए मैंने सोचा श्रग बनाऊँ। हमारा कॉस्ट्यूम आप देख सकते हैं, आगे आपको बनने के बाद दिखाऊँगी। तो आप बने रहिएगा पूरा मेरे चैनल, मेरे इस वीडियो पे, और देखिएगा कैसे बनाया है मैंने ये श्रग। एक साड़ी से पांचों के लिए मैंने कैसे बनाया, तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड्स करके रखा है। 3 इंच लिया है नेक के लिए, 7.5 शोल्डर, हाफ ऑफ शोल्डर लिया है मैंने, 7.5 होता है। और आर्म के लिए यहाँ पे लिया मैंने 7 इंच। आप सोच रहे होंगे उधर कपड़ा बचा ही नहीं, इतना पतला सा क्यों लिया है, तो ये मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पे कपड़ा उधर ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि 5 के लिए फैब्रिक नहीं था तो मैंने इसे एडजस्ट करके ही बनाया है। जो साड़ी का प्लेन मटेरियल होता है उसको मैंने ऐड किया है, स्टिच किया है वहाँ पे। फ्रंट नेक डेप्थ हमने लिया है 6 इंच, स्लीव लेंथ हमने ली है 16 इंच, लेकिन हम केप पफ बना रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे 6 इंच का एक्स्ट्रा, ये 3 इंच केप हाइट है जो अभी मैं मार्क कर रही हूँ, 6 इंच का यहाँ से हमने पफ के लिए लिया है। आपने देखा होगा शोल्डर पे पफ जो आया है वैसा, उसके लिए मैंने 6 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे हाफ ऑफ इंच की मार्जिन लेते हुए। तो ये जो मैं कट कर रही हूँ ये सिर्फ इतना है, मैं उधर कपड़े ऐड करूँगी तो इसे हम कट कर लेते हैं। ये स्लीव्स का जो स्लीव राउंड है वहाँ पे पाइपिंग की हुई थी तो मैंने वहाँ पे कट नहीं किया, वो डायरेक्ट वैसे ही था, क्योंकि उसके मैं कट करती फिर उसे उसकी भी फिनिशिंग करनी पड़े तो पड़ती, तो मैंने उसे नहीं किया कट, वो वैसे ही था। तो उसके लिए एक मेहनत बच गई कि हमको स्लीव राउंड की फिनिशिंग नहीं करनी पड़ी। ये मैं आर्म राउंड कट कर रही हूँ और फ्रंट एंड बैक दोनों को अलग कर लेंगे। बैक का डेप्थ हम लेंगे 1 इंच, फ्रंट नेक डेप्थ जो लिया है हमने 6 इंच लिया है और वो सब कट कर लेंगे। आर्म राउंड के लिए जो थोड़ा कर्व गहराई देके हम कट करते हैं वो सब इसमें कट कर लेंगे। और ये है बैक पार्ट, तो बैक पे भी मैं थोड़ा शोल्डर डाउन लेके, हाफ सेंटीमीटर का शोल्डर डाउन लेके मैं यहाँ पे 1 इंच बैक नेक जो डेप्थ है वो मैंने कट कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे ये साड़ी का ही मटेरियल था, सीक्वेंस की साड़ी जो मिली थी हमें 1 मीटर में यही लग प्लेन मटेरियल था। और ये ब्लाउज़ का फैब्रिक है, हमने सारे कपड़ों को यूज़ कर लिया। ये साइड में मैंने ऐसे अटैच किया तब सबके श्रग में, सबके जैकेट में, तब जाकर 5 लोगों के लिए बना। और ब्लाउज़ का जो फैब्रिक था उसे मैंने फिनिशिंग कर ली, और जितने भी फैब्रिक हमारे कट पीस बचे थे उसे मैंने सीक्वेंस का ऐसा टैसल लगा लिया, फ्रंट में डोरी लगाई टैसल को यूज़ करके जो साड़ी के नीचे लगा हुआ था। तो ये श्रग हमारा ऐसा बनकर आया, जैकेट ऐसा बनकर आया था।